हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के रिसर्च अकेडमी में। आज मैं लेके आया हूँ एडवांस प्रोडक्शन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका मार्केट का टॉप और बॉटम मैं आपको आइडेंटिफाई करके दूंगा। इसके अलावा लक्ष्मण रेखा खींच के दूंगा, जहां पे अगर मार्केट में पैनिक आया तो उसी के नीचे सेल करेंगे, या फिर मार्केट में एक रैली आई तो उसी के ऊपर बाइंग करेंगे। ये लेवल्स आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप बिलीव करो नहीं करो, मोर देन 10,000 मेंबर्स डेली हमारे इन लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, और अच्छा खासा उनका फीडबैक है जो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने मेरे दोस्त हैं, जो लोग ये हमारे लेवल्स को फॉलो करते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसी लगती है, क्या एक्यूरेसी लेवल है, सो दैट जो नए लोग हैं वो लोग भी बेनिफिट ले सके। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। चलिए, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट मार्केट का ज्ञान, यानी कि मैं निफ्टी का ज्ञान देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी रानी जो सबसे बड़ी चुलबुली है, इसको पकड़ना मुश्किल नामुमकिन है, तो इसको पकड़ के दिखाते हैं कि क्या बोला था। उसके बाद एडवांस प्रोडक्शन में मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सो अगर मैं बात करूं एक सेकेंड, हाँ अभी आ गया। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपको याद होगा निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने एक लेवल्स बताए थे, क्लियर कट एक मैसेज डाला था कि बॉस जब तक मार्केट में 25470 तक का ये लक्ष्मण रेखा इस जोन में आएगा तो फुल एंड फाइनल सेलिंग जोन ही है। उसके बाद 370 का लक्ष्मण रेखा बताया, 247 का लक्ष्मण रेखा बताया, और आपके सामने प्रूफ है कि एक दिन पहले, कल चलो 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है, राइट। लेकिन मैंने तो एक ही चीज बोली थी भैया, जब तक मार्केट में बाइंग नहीं करेंगे जब तक लक्ष्मण रेखा टूट ब्रेक नहीं करेगा। अब देखो ऊपर का तो ब्रेक नहीं किया, 247 के नीचे 147, 2547 बोला था कि नहीं बोला था। अगर बाई चांस इसके नीचे अगर मार्केट टूटती है तो भैया रोक सको तो रोक लो, मिनिमम 247 के नीचे 147 का पहला, 47 का दूसरा, 25 का तीसरा, और 25,000 के रेंज में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे बाइंग करने की अगर आपको मिले तो। बट देखो गिरता चले गया, गिरता चले गया, गिरता चले गया, दोबारा नाउ इट बिकम अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सपोर्ट, नाउ इट बिकम अ रेजिस्टेंस, नाउ यू कैन चेक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और वहीं पे जाके फिर पैनिक आया और नीचे अगेन जो लक्ष्मण रेखा खींचा था उसी जगह पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, यानी कि ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन 24847 870 का लक्ष्मण रेखा। तो सोचो आप खुद बताइए, मार्केट में जो क्लियर कट बताया था 25247 से मेड अ लो 24847, कितने पॉइंट्स की रैली हुई, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली निफ्टी फ्यूचर्स में इंट्राडे आया है, और जो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ किया वहीं से आया इधर से फिर से सेल हुआ। दिस इज पावर ऑफ एडवांस प्रेडिक्शन, ये सीखने की मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों। सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, राइट। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या था, अब बात क्या कर रहा हूं मैं आपको, कल क्या करना है, ये रात गई बात गई, ठीक है, जो भी हुआ आपने करा नहीं करा, तो अब मैं बात करता हूं सिंपल, एनी डेड कैट बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल करने की अपॉर्चुनिटी उड़ेगी, यानी कि 2547 25,000 का जो लक्ष्मण रेखा है इस जोन पे आए तो आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, गलती से भी बाइंग साइड में मत बैठ जाएगा। हाँ, जब तक 2547 के ऊपर ना जाए तब तक नो बाइंग एट ऑल, इसके ऊपर जाएगा तब फिर सोचेंगे कि भैया अब फिर पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, बात खत्म। अगर इसी के नीचे कुछ सेटअप बनेगा ठोको, अगेन मेरा टारगेट 24870 24847, और इस बार फुल एंड फाइनल लक्ष्मण रेखा है 24847। अगर मार्केट इसके नीचे 10 मिनट सस्टेन कर गई तो मेरे दोस्त 24770 24647, और उसके बाद भी अगर मैं बोलूं 24547 24470 तक का भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि एनी डेड कैट बाउंस, एक ही स्ट्रैटेजी ओनली थिंग फॉर द सेल, और लोअर लेवल पे अभी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। हाँ, ये जो लक्ष्मण रेखा है इनको नोट डाउन कर लो, मैं लेवल्स बार बार चेंज नहीं करूंगा, तो कभी मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी वजह से, बिजी हो, क्योंकि सर आजकल मेरा इंटीरियर का काम चल रहा है घर का, तो मैं उसमें पूरा बिजी हो जा रहा हूं, तो सुबह सुबह अपना 15-20 मिनट आधा घंटा काम करता हूं, उसके साइड पर चला जाता हूं, फिर कभी कुछ खरीदना है कभी कुछ खरीदना है, बहुत सारी चीजों में फंस जा रहा हूं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा 10-15 दिन बिजी रहूंगा। तो प्लीज इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, कल भी यही लेवल्स काम करेंगे। अब मैं बात करता हूं आपके हिसाब से, आप जो बात करते हो, ये जो पैनिक है देख रहे हो सर आप, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझना पड़ेगा, ये एक पावरफुल लक्ष्मण रेखा था जिसने रिटेस्ट किया,
यहीं पे मार्केट हडल बनाया था जो कि यहीं पे इसने आया। अब अगर ये लेवल टूट रहा है, यानी कि 24847 का लेवल टूट रहा है, तो नेक्स्ट जो लक्ष्मण रेखा रहेगा मेरा 24547, 24470 तक का लक्ष्मण रेखा है, और इस जोन पे मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा बाइंग करने के। अब जो ऑप्शन सेलर है, नोट कर लो 25047, 24547, इस जोन में आप अपनी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और इस जोन में आप अपना पैसा बना सकते हो वीकली बेसिस पे, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी। मैं पर्सनली करता हूं ऑप्शन सेलिंग, मेरा ऑलमोस्ट सर 15-20 करोड़ का कैपिटल है जिसके ऊपर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, और प्रॉपर कल की बात आज को कॉम्बो स्कैल्पिंग को, अपार्ट फ्रॉम दिस जो ऑप्शन सेलिंग, आयरन काउंटर, बटरफ्लाई, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्ट्रैटल स्ट्रैंगल, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, ऑलमोस्ट 28 स्ट्रैटेजीज मैंने अपने एल्गोरिथम में लगा रखा है। वहां से मेरे को कंडीशंस आती है, जब मैच होती है कंडीशंस मेरे को पॉपअप आ जाता है, तो इमीडिएट बेसिस पे मेरे ट्रेड वहां पे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रूल बेस्ड सेटअप बना रखा है, रूल बेस्ड सेटअप के बेसिस पे ही मैं अपने ट्रेड उतारता हूँ, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई डू। अच्छा, अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो मैं अपनी सिर्फ थोड़ी बहुत, कि चलो यार 2-3, 2 लाख रुपए का कैपिटल रखा है, 3 लाख का कैपिटल रखा है, उसमें कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और 15 मिनट काम, बाकी पूरे दिन मैं आराम करता रहता हूँ, ब्रेकफास्ट करता। तो एक बड़ा कैपिटल मैंने पीछे लगा रखा है, और छोटा सा कैपिटल 1% उस कैपिटल का मैंने मार्केट में इधर लगा रखा है ऑप्शंस बाइंग के लिए। तो ये मैं करता हूँ साथ में, आई डू इन्वेस्टिंग। आपने देखा है मेरा पोर्टफोलियो मोर देन 7 to 10 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के ऊपर भी है, वो भी मेरा अलग चलता रहता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी, यस चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की, राइट। नाउ आई विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। अगर आपको याद होगा, आप मेरा पुराना जाके जरूर वीडियो देखिएगा, अगर आपको 1% पे डाउट है तो मेरा पुराना जाके वीडियो जरूर देखिएगा, 51456। और जो लोग बोलेंगे कि सर आपने यूट्यूब में 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बिजी था, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपने रील्स के माध्यम से आपको शेयर कर रहा था अपने कल की बात आज शॉर्टकट में, 1 मिनट में मैं वीडियो बना के वहां पे इंस्टाग्राम में डाल रहा था। अभी तक फॉलो नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मैं रोज बनाता हूँ, कहीं से भी आके बनाता हूँ लेकिन बनाता हूँ। 51456 का लेवल बताया था, अगर इसके नीचे 10 करोड़ भी सस्टेन कर गई, पहला 51256, दूसरा 51156, तीसरा 50856 तक का लेवल बताया था। ये देखो इंटैक्ट, यानी कि 450 से 856 कितने पॉइंट हो गए मेरे दोस्तों, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं 600 पॉइंट का टारगेट, 600-700 पॉइंट का इंट्राडे टारगेट बताया था, और ऊपर जो लक्ष्मण रेखा है वो 51860 का लेवल बता रहा है कि इस जोन पे आया तो फिर से ठोकने की सोचेंगे, बात खत्म। फ्लैट मार्केट देखो सर, कितने दिन से फ्लैट करके रखा, आप ये लगा लो 29 अगस्त, 30 अगस्त, उसके बाद 1 सितंबर, उसके बाद 2 सितंबर, उसके बाद 4 सितंबर, उसके बाद 5 सितंबर, यानी कि टोटल 5 से 6 दिन मार्केट एक फ्लैट जोन में था, उसके बाद क्या पैनिक आया। इसलिए बोला जाता है जब जब मार्केट में सन्नाटा हो कुछ बड़ा मूव आने का वेट करना चाहिए, और ये बड़ा मूव हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये मैं आपको मंडे से अपनी ऑनलाइन क्लासेस पर सिखाने वाला हूँ, जो 10 दिन की ऑनलाइन क्लासेस होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 6 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, ये है स्टॉक गुरु को लर्न द टॉप 1% ऑपरेटर स्ट्रैटेजी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर कैसे सोचता है, बड़ा प्लेयर कैसे ट्रेड करता है। 9 सितंबर से 21 सितंबर का हमारी क्लासेस चलेगी ऑनलाइन, 18 साल का एक्सपीरियंस दूंगा, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कुछ एडवांस सीखते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, जीरो से लेके एडवांस तक कैसे बना जाए, वो 6 मंथ्स के मेंटरशिप में प्रॉपर डेडिकेटली आपको मेंटरशिप मिलेगा। इसको रजिस्टर कर लेना, मिस मत करना, डिटेल आपको व्हाट्सअप नंबर है उस पर कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसी मंडे को, राइट। तो चलिए, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। तो उस उपलक्ष्य पे कहते हैं ना कि शुरुआत अगर अच्छी हो, गणेश जी की है शुरुआत अच्छी है, तो आपका आगे चल के जर्नी भी अच्छा होगा, साल भी आपका अच्छा होता है। तो हम शुरुआत में सबसे पहले पूछते भी गणेश जी को ही है, तो आज हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ कैसे बनानी है, सीख कर आगे बढ़ना है या वही घसीट्टा जैसे लाइफ चल रही है वही चलाते रहना है, और सीखो उससे जो खुद प्रॉफिट कमाता हो, राइट। थैंक यू सो मच। अब मैं बात कर लेता हूं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाए, कल क्या करना है। अगेन नोट करो 51256, 51156, इस जोन में आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। पहला 50456 नीचे आपको ये हडल मिलेगा, जो ये हडल है, मार्केट डेडिकेट बाउंस, ओनली थिंग फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी। 456 का लेवल आएगा तो यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं,
बाई चांस 5456 के नीचे 10 मिनट सस्टेन हो गई तो फिर से 59, इस बार 49,856 का लोअर लेवल आपको देखने को मिल सकता है, वो भी एक से दो दिन के अंदर। इन लेवल्स को आप नोट कर लिया। अब बड़े ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए उनके भी डेटा रीड कर लेते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोलता है, डेटा एनालिसिस क्या बोलता है, जो लोग बात करते हैं। चलिए अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए निफ्टी फ्यूचर्स जो 5 दिन की एक्सपायरी है, नेक्स्ट 5 डेज, यस बेटा चल रहा है, बस 5 डेज, यस बेटा चल रहा है, 5 डेज की एक्सपायरी है। जाओ जाओ, आ रहे पापा, आ रहे गाइस, एक सेकंड दीजिएगा, आ रहे पापा, वीडियो बना रहे, आ रहे, ठीक है। जाओ लड्डू खाए, लड्डू खा ले, जाओ लड्डू खा ले। तो बेटा आज गणेश चतुर्थी पूजा हो रही है, पूजा हो चुकी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए आया हूँ, ऑफिस से रिकॉर्ड कर दूं, नहीं तो बना नहीं पाऊंगा। तो देखो 12 सितंबर की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, जहां पे ये जो बड़े बड़े डंडे दिख रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं भाई, हम ऊपर नहीं जाने वाले, मार्केट पावरफुल ऑप्शंस में जो कॉल राइटर्स है वो लेके बैठे हुए, फुल कह रहे हैं कि भैया एग्रेसिवली कॉल राइटर्स यहाँ पे सेलिंग करके अपना माल बैठे हुए, यानी कि पावरफुल रेजिस्टेंस बना के बैठे हुए। कहां पे 25,000, 25,100, 25,200 देख रहे हो, और उसके बाद 24,000, 25,300, यानी कि 2,500, 200, 300 चार स्ट्राइक प्राइस पावरफुल बैठे हैं। अब 24,500 पे थोड़े से पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो डेटा बोल रहा है अब तक का, कल क्या चेंज होगा ये हमें भी नहीं पता, चेंज होने के बाद ही मैं आपको अपडेट कर सकता हूं, लेकिन क्या समझे, मार्केट में बाइंग साइड गलती से भी मत सोचना, एनी डेट गेट अ बाउंस ठोको, समझ गए, ओनली थिंग फॉर द सन, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मार्केट, यहां से नीचे आता है तो ये एक हडल, ये एक हडल, ये हडल, ये हडल जो छोटे छोटे हडल है, नेग्लिजिबल है, यानी कि मार्केट में सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी, तो कल अगर मार्केट बाई चांस गैप अप खुलता है तो गलती से भी फंस मत जाना ये सोच कर कि अरे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग कर लेता हूं, नहीं, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वहां से हो सकता है मार्केट नीचे गिरने के चांसेस पूरे पूरे हो, गैप अप खुले तो बाइंग नहीं, ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करो, जो बेयरिश कैंडलस्टिक है वो निकालो और उसके ऊपर सेल करके, उसके लो के नीचे सेल करके बैठ जाओ, छोटा सा हाई लगा के देखो मार्केट कल किस तक गिरता हुआ मिलेगा। तो ये डेटा बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तो ये सिर्फ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि हम कैसे मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। 11 सितंबर यानी कि वीकली एक्सपायरी की मैं बात करता हूं, देखो आपके सामने है 51,000 का हडल ऊपर का लक्ष्मण रेखा, उसके बाद 51,500 का, और नीचे देख लो मेरे भाई, सीधे जाके यहां पे आपको दिख रहा होगा 50,000 के आसपास का हडल है। मार्केट आज क्या चल रही है 50,500, यानी कि नीचे 500 पॉइंट इस डेटा के हिसाब से मार्केट गिर सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो इस जगह पे है, यानी कि 500 पॉइंट यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं, यहां तक आ सकते हैं, यानी कि ये गिरावट जोन होगा। और अगर एक डेड कैट बाउंस मिले कहां तक 51,000 तक, यानी कि यहां से अगर 500 पॉइंट का यानी डेड कैट बाउंस अगेन ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहां पे आए तो फिर से मार्केट गिरने का पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी करेगा, यू गेट योर पॉइंट। तो ऊपर नोट कर लो 51,000 और नीचे 50,500, आप अपनी ऑप्शन की सेलिंग की स्ट्रेटजी भी इसके बेसिस पे बना सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है, सीखो सीखो सीखो, सीखना पड़ेगा, सिंपल है, एक सही गुरु पकड़ना पड़ेगा, सही मेंटर पकड़ना पड़ेगा, उस मेंटर के पास आओ सीखो, 9 तारीख से सिखा रहा हूं, आइएगा सीखते हैं, एडवांस प्रोडक्शन कैसे किया जाए वो सीखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए वो सीखेंगे, इंट्राडे ट्रेड कैसे किया जाए वो सीखेंगे, स्विंग ट्रेड कैसे किया जाए वो सीखेंगे। लिमिटेड सीट्स बची हैं तो मिस मत करना, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज और कल, उसके बाद हाउसफुल। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का ध्यान रखो। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन गाइस, लव यू ऑल, अगेन मॉम डैड का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे ध्यान रखें, क्योंकि उनके वजह से ही आज जो भी है हम, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के वजह से ही। जय हिंद।